ओके नाउ जो दूसरा क्वेश्चन आपको सेट्स के अंदर, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सेट से। सेट के अंदर जो आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि आपको सेट्स के कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी सेट को डिफाइन करते हैं, जैसे हमें कोई एक ए सेट लिखना है तो 1, 2, 3, तो हमें उसे इस करली ब्रैकेट्स में लिखना है। माइंड इट, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ये गलत है। सेट की ब्रैकेट करली ब्रैकेट ही होती है एंड यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस इट कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है इस ब्रैकेट को बनाने की। तो दिस इज वेरी इजी, आपको पहले ये वाली ब्रैकेट बनानी होती है ऐसे और फिर आपको ऐसे बनानी होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि सेट की यही एक ब्रैकेट है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पेपर में आता है वो आपको एक सेट दे देगा। जब सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल में अनदर सिंबल जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो यूज होता है वो है ये ई। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ये ई नहीं है, ये ई की तरह ही है और इसको ऐसे ही बनाते हैं, उल्टा थ्री। ये उल्टा थ्री है, जैसे थ्री यू होता है तो ये उल्टा थ्री है, इसको ऐसे बनाना है आपने। ये ई नहीं है, ये थ्री की तरह है, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर मैं इसको ऐसा कट कर दूं तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या मतलब हुआ? अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, लेट अस सपोज आपको एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर 2-A, आपको सिंबल डालना है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स, तो इन दोनों में से एक को आपको डैश में फिल करना है। तो अगर ये दो इसके अंदर है तो आप बिलोंग्स टू डालोगे, और अगर ये दो इसके अंदर नहीं होता तो आप नॉट बिलोंग्स टू डालते। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 6, क्या 6 इसके अंदर है? तो 6 इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर आएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो ये दूसरा सिंबल है जो कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी सेट के अंदर जरूर मिलेंगे, और ये आपका एनसीईआरटी के अंदर सेकंड क्वेश्चन ही ऐसा है। आई होप ये सिंबल्स भी आप लोगों को समझ में आए।